Hey guys, we are back with another vlog. तो भाई आज हमारा ITT का day 13 और आज हमें अपना PPT सबमिट करना है. कल हमारी प्रेजेंटेशन और M2 का टेस्ट होगा. बाकी अगर पहले वीडियो को लाइक कर दो आप यार, वीडियो को लाइक करोगे तो आगे रिकमेंड होगी. बाकी अभी मेट्रो आने में तो काफ़ी टाइम है. तो M2 के लिए तो यार मैंने इतना पढ़ूंगा नहीं मैं बुक से, क्योंकि यार बुक तो बहुत ज़्यादा है. 450 पेज कौन पढ़ेगा. तो PDF से ही पढ़ के जाऊँगा, देखते हैं कितना उसमें से आता है नहीं आता, तो बताऊँगा आपको कैसा हुआ. बाकी कल प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के लिए हमें मशीन लर्निंग का टॉपिक मिला हुआ है. और यार पूरी प्रेजेंटेशन में से कुछ भी वाइवा भी होगा, वाइवा भी होगा. आ गया भाई पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पे. अभी तन्नु आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, दिमाग ख़राब हो गया आज फिर से. मैंने बोल दिया दिमाग ख़राब हो गया, बट गर्मी है सच में आज. कल मौसम अच्छा था बट आज ज़्यादा गर्मी है. तो वो आ रही है, अभी रिक्शा तो मिल गया हमें, फिर चलते हैं उसके बाद. तो भाई हम जा रहे हैं हम सेंटर पे. तन्नु कैसी हो तुम? बढ़िया. कैसा जा रहा दिन? मुझे भी लग रहा है, पर देखो क्या होता है. बाकी देखना मजा आएगा. वीडियो आ गए हैं फाइनली गाइस सेंटर पे वापस से. 3 दिन और अपना सेंटर ये वापस से. कहाँ दिया तुम लोग? अरे वो तो कोई और है यार, मैं किसकी तरह कमेंट बताऊँ? कोई और तुम लोग हो क्या? किससे हो भाई? किससे हो? अच्छा तुम सारे बहुत बढ़िया भाई, आपके राज में मजे कर रहे हो. मजे कर रहे हो? आज पीपीटी वीडियो हो गई हमारी सारी. बहुत बढ़िया. और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई. लेट मत हो, दीप आ रहा भी कह रहा है, रोक के रखी हूँ. काम है वो क्या? दीप आ रहा भी मजे ले रहे. तुम्हारे ना तो मौज है भाई कसम से. मैं 26 साल बैच में चेतन मशीन ने तो बढ़ाया हमें. आया लगा टाई लगानी पड़ी ना दिखे रही. उसने इंट्रोडक्शन लिया पहले. हाँ सबसे लिया. इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने टाई नहीं लगाई. अपनी क्वालिटी बताओ ये. उसके बाद ना उसने बाद में नोटिस करा, बाद में नीचे से वो बुला लिया, क्योंकि रहने टाइम नहीं लगा रखी, मैं खड़ा कर दिया. अभी एक दिन ये रिटाई. अभी एक दिन पूछेगा तुम अपने अपनी क्वालिटी बताओ एक, तो क्या बोल दियो कुछ भी? अरे वो एक दिन हार्ड रहता है यार. मैंने सबको बोल दिया क्लास में, सर आई एम एन पहले सुन सुन पहले बढ़िया बता. पहले दिन डराते हैं, उसके बाद बड़े अच्छे टीचर हैं. तो पर पढ़ाते बढ़िया है. दिखा दे भाई. ये खाना अपना आज का बढ़िया बढ़िया. नहीं तो एक लड़की आई कि यहाँ से एंट्री करेगी. यार ये रहा डोर, वहाँ से जाओ. अगले पहले तो नहीं गई मैंने, ठीक है हट जाओ. वहाँ से आई मतलब वहाँ से आओ, यहाँ क्या कर रहे हो? एंटरटेनमेंट. आओ भाई आओ. भाई ने गजब सीन करा है. भाई साहब इतनी बोरिंग क्लास चल रही है भाई, फुल थ्योरी दिमाग खराब हो गया है. के साथ मट्टी भेज रहे हैं लोग. चाय के साथ मट्टी कौन नहीं लेता है. क्लास कैसी लगी तुमको भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, माँ की कसम खा रहा हूँ मैं. मेरे को ना इतनी बोरिंग क्लास ना अब तक की क्लास में कभी क्लास नहीं लगी. एक सब समझ नहीं आया चल क्या रहा है भाई. मेरे को जो जो ये करा रहे हैं मेरे सारे आउटपुट आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये कर क्यों रहे हैं. हाँ इनका फायदा क्या है पता नहीं, क्या कर रहे हैं, है क्या मुझे है? कोई सेम चीज़ ये चीज़ नहीं समझ आ रही मेरे को. जो सो रहा था, हाँ जी गुड मॉर्निंग बोला मैंने उसको. नमन इनसे पूछ रहा सर से कि ये टॉप वाला किस में काम आएगा. कह रहे टॉप निकालने में. अरे कौन सा टॉप निकालने में? मैं भी वही बताऊं भाई. कह रहे टॉप निकालने में काम आएगा. अरे कौन सा टॉप निकालने? सच में भाई कह रहा बस टॉप निकाल लेता है जैसे. पर ठीक है यार, बस हमारा M2 निकल जाए. पता नहीं पेपर कैसे मुश्किल आने वाला है. ऊपर की भाई पेपर बहुत मुश्किल है. चाय मट्टी आई इसलिए कोई नीचे नहीं आया. साहब सच में भाई बहुत बोरिंग क्लास थी, दिमाग खराब हो गया लिटरली यार. कुछ भी करवा रहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा. तो जीरो
जीरो, बिल्कुल जीरो ऐसा हो रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पढ़ क्या रहे हैं? नहीं ये तो पढ़ क्या रहे, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ यार, नहीं समझ आ रहा कुछ, क्या बोलेंगे अब क्या भाई साहब, नहीं समझ आया तो बताऊंगा ना क्लास का, ये बट ये है कि अनऑफिशियल वाला लास्ट डे है, अगले दो दिन हमारे खाली पेपर बचे हैं, बस आज लास्ट पढ़ाई का आखिरी दिन है, पढ़ाई का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में कुछ समझ नहीं आ रहा। और बता भाई दिन कैसा था, मट्टी पिला रहे हैं, खाई नहीं हमारे बच्चे, नीचे नहीं गया कोई मट्टी के चक्कर में, कोई आया नहीं नीचे, पता नहीं क्या चल रहा है, किसको दिक्कत है, मैंने कहा हमको, कह रही है चाय पी लो स्ट्रेस बस्ट हो जाएगा, मैंने गाने मिला दिया इसने, कह रहा चाय पी लो स्ट्रेस बस्ट भाई, नहीं हमने बैठ कर बस्ट हो जाएगा, खाली पेट पिया के बहन तो गैस बन गई सच में, और मैंने मजबूरी में पिया मट्टी मट्टी, खाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं आईसीए का चेयरमैन बना, मैं वोट दूंगा अपना, मैं पहले ही बन गया हूं, ये वाला सेंटर हटाऊंगा, ये बंद करो पहले, यहाँ पे चाय के साथ मट्टी पीजिए भाई, ये गलत हो रहा है, पूरी खाने के लिए चाय पियो मन शांत हो जाए। प्रेजेंटेशन तुम्हारी हो गई कि तुम्हारी रह रही है अभी, प्रेजेंटेशन तुम्हारे ग्रुप की रह रही है, पहले हमारी किसी की हुई अभी तक, दो ग्रुप की हो गई, कैसी हुई है क्या पूछ रहे हो भाई, देखो कुछ नहीं ढसे के सवाल, पहले पहला तो खुश हो गए लोंडे जैसी पीपीटी दी, सेकंड में गए, सेकंड वालों ने दी एक क्वेश्चन पूछा उनसे, उन्हें बैठा दिया, फिर अब लगाए पहले वालों के भाई, भाई वाह कुछ भी पूछ रहे हैं, बुलाया कुछ भी सब्जेक्ट से बताओ, टैली के बारे में बताओ, टैली के सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, ये जो भाई बनाया है उसके में पूछ रहे हैं, हां अबे वही तो, अच्छा उनका सब्जेक्ट वही था, टैली था, हेलो हाउ आर यू, फाइन, सही चल रहा है सब, हां सही, मस्त, क्लास कैसी लग रही है, ठीक लग रही है, बोरिंग नहीं लग रही, नींद आ रही है, बस एग्जाम निकल जाए, हां बस, तन्नू इधर क्लास कैसी थी, चौथा क्लास कैसी लगी, नींद आ रही बता रहे, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग नीचे आज इसलिए नहीं आए क्योंकि दूसरे क्लासमेट से ना डिस्कस कर रहे थे कि कल के पेपर में क्यों होगा, क्योंकि कल हमारा टेस्ट है ना, इनकी प्रेजेंटेशन है ना आज, इनकी प्रेजेंटेशन चल रही है अभी, चल रही है हाँ, कैसे हो रही है, मुश्किल तो नहीं, अभी अगर प्रिपेयर कर रखा होगा तो कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा, अरे हमारा नहीं प्रिपेयर कर रखा होगा तो थोड़ा हेजिटेट होगा, बट हमारा टॉपिक भी तो ऐसा ही है, मशीन लर्निंग है मेरा तो, हमारा जैसे कि मोबाइल फोन कंप्यूटर या फिर और अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके, प्रिंट मीडिया पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन अब जैसे कि किसी की वीडियो पॉडकास्ट वगैरह में जा करके अपना प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करना, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, बस ऐसा कुछ, ठीक है, हमारे दो दिन बचे हुए हैं मिनिमम, और आज तो लास्ट दिन है पढ़ाई का, कल भी पढ़ाई नहीं होगी, कल पढ़ाई नहीं होगी, होगी नहीं भाई, कैसे हो जाएगी पता, पेपर है, प्रेजेंटेशन है, वाई वाई खत्म, पढ़ाई नहीं होगी, कल बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, नहीं चल ठीक है, फिर संडे है, उसके बाद फिर अपना हुआ है टेस्ट, लास्ट डे हमारा उस दिन 300 नंबर वाला टेस्ट है, फिर वो भी नहीं होगा, अच्छा 300 नंबर वाले का क्या क्राइटेरिया, 150 मतलब क्या आएगा, 300 क्वेश्चन आएंगे भाई, क्या लगता है आप पास होंगे कि नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता, मैं पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी, मेरे पास की नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा भाई, A B C D तुक्का लगाने वाला हिसाब है, ठीक है देखेंगे, आज का ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बनाया इतना खास, ऐसे ही है, सर ने मेरा मूड खराब कर दिया, एक तो आदेश ज़्यादा नहीं, बढ़िया पढ़ा रहे सर सर के तो भाई हमारा कल प्रेजेंटेशन है, उसकी टॉपिक के लिए चल रही है डिस्कशन, और ये मेरे टीम मेंबर्स, ये हमारा लीडर चश्मे वाला बंदा है ना, वो लीडर है हमारा, कह रहा कौन, हमारे भाई ने कर दिया काम, अपना प्रोजेक्ट बना दिया है भाई ने, ये लीडर ने सब कुछ मैनेज करा है, बाकी का तो लीडर भाई है हमारा ये टीम का, और ये मेहनती वाले कर्मचारी प्रेजेंटेशन भाई डन हो गई हमारी, सर को भेज देंगे, कल होगा इसका प्रेजेंटेशन, करनी पड़ेगी कल, आज हमारी तैयार हो गई पीपीटी, टेस्ट भी है कल, कल तो तीन चीज़ें हैं, कल हमारा M2 का टेस्ट है, प्रेजेंटेशन है, उसके बाद वाइवा है, फिर रैंडम क्वेश्चंस हैं, देखो क्या होता है, तो वाइवा पता कैसा होगा, हमारी पीपीटी में से लेंगे, और रैंडम क्वेश्चन में से क्या था, कोई बंदा की तरह से कुछ भी पूछ लेंगे इस बुक से भी, नहीं वो नहीं होगा, किसी बैच में हुआ था ये, नहीं हमारे में नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, और मुझे लग रहा है वाइवा तक भी नंबर नहीं आएगा, बहुत बच्चे हैं, क्या पता, एक एक घंटा दे रहे हैं सबको, हैं एक ग्रुप को एक घंटा है, अरे भाई साहब देखना पड़ेगा, देखना है कैसे होता है, कल बताऊंगा, कल की वीडियो देखना, कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सबके लिए, जो जो ITOC कर रहा है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और तुमने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा भाई, देख लो जाके, कल वाले ब्लॉग पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, जाके देखो, लाइक करो, कमेंट करो, और अपना फिर बताना, ठीक है।
फेवरेट पार्ट जो भी हो उसको बताना है, ठीक है? और बाकी भाई तो है ही तगड़ा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई। यस, क्या रहा ट्रांजैक्शन, क्या रहा ट्रांजैक्शन हटा दियो रात में, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन तेरी गलत चल रही है आज कल, देख रहा हूं भाई गलत ही। तू इंग्लिश देगा कल गलत तेरा देखूंगा। सर 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 मुझे डर लग रहा है, हंस मत देना मेरे बोलने वाले पे। हां चला गया मास्टर, चला गया भाई, आ जाएंगे मजे। चलना हमारी वाली में बहुत एक्स्ट्रा है यार, तू इनमें कुछ नहीं है, टाइप्स तो पूरा ही रखने दे भाई, मेन जो टाइप्स है। अरे उसमें लिखा हुआ है बाल बाल जो प्रेजेंटेशन तू देगा ना, तू है लीडर है, स्मार्ट लगेगा। वो तो छोड़ो, क्या रहा होता है, ऐसी लगता है, वैसी लगता है, कौन सी गलतफहमी है तेरी, ये वाली व्लॉग चल रहा है तो कुछ अच्छा आया था मेरे पे। ओए तू बाल कटवा के आ गया तो, ओए हां चुप हो जा, बाल कटवा के आ गया बस, मार छोड़ो, फिर अच्छा आया था मतलब। आ तू बोल, लीडर बढ़िया लगना चाहिए, मुंह दिखा भाई उसकी दाढ़ी देखा, मैंने जूता मार देना तेरे, मैसी मैसी दाढ़ी कर रहा है, 30 रुपए मैं दूंगा गाइस, तो यही पहले तो हमको तो पता था। तू दे रहा है 30 रुपए, दे निकाल निकाल 30 रुपए निकाल, तू फोटो भेजेगा कल 30 रुपए निकाल, तू खड़ा क्यों जाता है बात करते। चलिए गाइस क्लास इज ओवर। तो भाई आज की क्लास कैसी थी तुम बताओ, पहले तुम जाने वाले हो? बढ़िया थी यार, पूरी बढ़िया हो गई, बोरिंग हो गई आज ना तगड़ी वाली यार, बढ़िया थी, कल होगी प्रेजेंटेशन। तो भाई क्लास लास्ट थोड़ी सी बोरिंग थी पर मजा आया जो भी था, और बताओ भाई क्लास कैसी थी? भाई मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्या हो गया गुस्सा हो गया मुझसे? नहीं भाई आपसे गुस्सा नहीं हुआ, मैं क्लास से गुस्सा हो गया, बताने लायक नहीं थी, बताने लायक नहीं, सच में नहीं थी, मैंने यही बोला कि मैं भाई आज की क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग, कुछ समझ नहीं आया, सब सर के ऊपर से चला गया प्रेजेंटेशन। और भाई अनमोल बढ़िया, चलो मिलते हैं कल, जाओ। और भाई अरे हाउ आर यू ब्रो? देखो अगर कल मैं पास हो गया तो ठीक, फेल हो गया तो भाई मकसद याद आ जाएगा वापस से, नहीं फेल हो गया तो मकसद तो याद नहीं आएगा, लेकिन दोबारा आना पड़ेगा फौज के साथ। ये देखो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़े कोई नहीं, सब चिल्ला यार, ज्यादा बड़े नहीं लग रहे मेरे को, छोटे। ये गाइस क्लास कैसी लगी तुम लोगों को? बोरिंग। आज तो हंसी ज्यादा बोरिंग तुम लोगों दोनों को? मैं तो सो रहा था, लिटरली मैं सो गया था, मैं 5 मिनट के लिए मेरी नींद लगी, मेरी भी ठीक है। बाकी अब आज लास्ट था ना पढ़ाई वाला, तो कंटेंट खत्म पढ़ाई वाला, आज के बाद पढ़ाई का मजे करो, प्रेजेंटेशन। अच्छा हाँ पास भी तो होना है, चलो भाई जल्दी से जाते हैं। मैं ये सर ना एकदम से पता क्या हुआ, वो सीरियसली सीरियस लग रहा था, सीरियस एकदम से सर ने स्माइल करी, मजा ये हंसता भी है ये हंसता भी है भाई, हम दोनों इतना हंस रहे हैं चुप नहीं हो रही सर। मेट्रो पे आ गए हम पीतमपुरा, अब यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय, चलो यहाँ से निकलते हैं सीधा। फाइनली भाई मेट्रो में तो आ गया हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, मुंबई लोकल ट्रेन जैसी भीड़ हो रही है। फाइनली गाइस घर पे आ गए हैं, ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख ली है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, थैंक यू।